कहते हैं जो महिला अपनी शक्ति को पहचान जाती है सफलता उसके कदम चूमती है। और आज के शो में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, एक मदर है और एक सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर भी है। सो आज टीवी 9 ग्रुप स्वागत करता है स्मिता ठाकरे जी का। सो स्मिता मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एंड सो स्मिता मैम, हमेशा से ऐसा सब कहते हैं कि यू नो वुमेन आर बॉर्न टू बी मल्टीटास्कर्स, हर महिला जो है वो अलग अलग काम बखूबी करना जानती है और आपने भी अपने लाइफ में सारे रोल्स अदा किए हैं। सोशल वर्क में हम आपका नाम देखते हैं, यू आर अ फिलैंथ्रोपिस्ट और हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं मैं आपको देखती हूँ। यू आर अ मॉम और एक माँ होना तो फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने फिल्मी जगत में उस समय कदम रखा जहाँ बहुत गिनी चुनी महिला प्रोड्यूसर्स थी, तो ये सारे रोल्स आप कैसे निभाती हैं? वो मुझे लगता है कि हर महिला में कुछ जो शक्ति अंदर मौजूद होती है, बस सिर्फ उसको मैंने इस्तेमाल किया और मुझे इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे लोगों का साथ मिला, जो कि पहले मेरे माँ बाप थे उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने मुझे अच्छा शिक्षण दिया। इसकी वजह से एक जो एक कॉन्फिडेंस होता है, जो शिक्षण की वजह से एक इंसान के अंदर आता है, वो कॉन्फिडेंस मुझे बचपन से मिलता गया, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें सीखी या जो भी सीखना चाहे तो वो भले मैंने हमारे इस कॉलेज में मैंने BSc किया, उस दौरान भी हमने कई सारे कोर्सेज करने की कोशिश की जो कि हमारे माँ और पिताजी ने, हम मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, फिर भी उन्होंने कभी ना नहीं कहा कि अगर कोई चीज़ सीखनी है। मैंने टाइपिंग से लेके स्टाइपेंड से लेके क्या बोलते हैं स्टेनोग्राफी से लेके हर चीज़ सीखी है, क्योंकि अंदर मेरे कुछ एक कीड़ा है कि जो मुझे नई चीज़ सीखने के लिए वो हमेशा मस्ती करते रहता है। तो वो मेरे ख्याल से वो एक वही एक कारण है जिसकी वजह से मैं अभी तक इस मोड तक पहुंची हूँ, वो एक कारण है जिसमें वो कीड़ा को हमेशा मैंने जागरूक रखा है। और बस हमें शिक्षण मिला, अच्छे लोग मिले और अच्छे, अभी घर में जिस घर में गई हूँ वहाँ मेरे बहुत सास ससुर इतने अच्छे मिले जिनका सपोर्ट मिला। और मेरे ख्याल से जो अंदर एक भावना होती है कभी कोई इंसान की कि मुझे ये करना है, तो वो भावना को लेके मैं हमेशा चली हूँ कि मुझे ये करना है, मिस मुझे करना है, तो इसी तरह से निभाने की। ऐसा कभी हुआ कि आपके बच्चों ने बोला मम्मी आप हमें टाइम नहीं दे रहे, आप बाहर इतने नहीं, काम जब उनका बचपन था, जब वो बड़े हो रहे थे तो मैंने बहुत सही टाइम उनको दे दिया है। और मेरा छोटा बेटा जब मेरे व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो उस वक्त मैंने हसीना मान जाएगी कि वो की थे, और बड़ा बेटा मेरा ऑलरेडी, क्योंकि 9 साल का डिफरेंस है दोनों के इसमें, तो बड़ा तो ऑलरेडी बड़ा बन चुका था, उसका एजुकेशन भी उसने काफ़ी ये किया था। मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ आज आपसे पिक की है, टाइम मैनेजमेंट, अपने समय को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, नथिंग इज रॉकेट साइंस। एंड स्मिता मैम, आपने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी जो मुझे भी बड़ी दिल को छू गई कि मैं सबको कहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है एक महिला के लिए। आपको क्या लगता है कि वाकई में ये बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। उससे होता क्या है, कई बार ऐसे होता है कि भाई बहुत अच्छे घर की लड़कियां होती है, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का उतना वो नहीं कि सब कुछ इजी प्लेट पे मिलता है, पर कई बार नहीं ज़रूरत नहीं होती, पर कई बार जो अंदर की अंदरूनी शांति, ये कॉन्फिडेंस कि ये मेरा पैसा है, वो भले कुछ भी हो, वो छोटा पैसा भी हो, पर ये मैंने कमाया हुआ पैसा है। इसका एक छोटा सा सैलरी थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी फर्स्ट सैलरी 400 रुपये थी, 400 रुपीज़। बट एट दैट टाइम आई थॉट लाइक ओके 400 रुपीज़ आई गॉट, एंड व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट सैलरी तो मैंने जाके अपने माँ और पिताजी को दिए, उनकी आँखों में आंसू आ गए कि ये जो भावना है कि चलो मैंने कुछ करने की कोशिश की और मैंने वो की। सो जहाँ पर सोशल वर्क है, जहाँ पर यू आर फुल टाइम मॉम, जो मैं बोलती हूँ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो अगेन हम महिलाओं की अगर बात करें, सो बड़ी गिनी चुनी महिलाएं मैंने देखी हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आज तो हम फिर भी देख रहे हैं डायरेक्टर्स हैं, ऑस्कर तक अब हमारे पास आ गया है, बट आपने जब शुरुआत की मुझे फिल्म प्रोड्यूस करनी है, लेट मी टेक द प्रोड्यूसर्स कैप नाउ, आपने हसीना मान जाए की प्रोड्यूस की, आपको कैसे लगा कि ये
शायद मेरे लिए एक अच्छी मेरी पहली पिक्चर हो सकती है। एक्चुअली मुझे बड़ा शौक है फिल्मों का, और बचपन में भी हम लोग काफ़ी छुप छुप के जाके, हमारी दोस्त का ग्रुप जाके, हम लोग जाके फिल्में देखते थे। तो फिल्मों का शौक़ तो मुझे वैसे भी पहले से ही है। और हमारे जिस घर में मैं गई हूँ, गई थी, तो मेरे फादर इन लॉ को भी बहुत शौक, अच्छा शौक मिस फिल्में। अच्छा। उनके खानदान में भी बहुत मिस, उनके फादर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं, और म्यूज़िक का एक क्रिएटिव फैमिली में मैं गई थी। और दूसरी बात यह है कि मैं, मेरा जो बड़ा बेटा है उसको भी बहुत क्रिएटिव इसका शौक, जो इस बचपन में यही बोलता था कि उनकी पेंटिंग्स देखो या बहुत अच्छे हुनर्स हैं उनमें, मिस ठाकरे घराने में। कभी म्यूज़िक का है, कभी ड्राइंग्स का है, कभी कार्टून्स में, फादर इन लॉ कार्टूनिस्ट रहे, तो ये सब ऑलरेडी उनके ब्लड में है। और मैं उसी घर में गई हूँ जिसमें मुझे रियली ये अच्छा लगता है। और मेरे ब्रदर इन लॉ ने एक फिल्म बनाई थी, तो मेरे बेटे की थोड़ी सी इच्छा थी कि हम भी कुछ करें या आप मेरे नाम पे कुछ करो। अच्छा। तो तभी मुझे लगा कि उस वक्त ऐसे है कि बेटे ही सब कुछ, मीन्स वही वर्ल्ड मेरे लिए, उनकी इच्छा है, मीन्स ऐसे लगता है कि अच्छा फादर नहीं है तो क्या मैं उनकी इच्छा पूरी करूँगी, ऐसे होता है। और मेरा ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका था उस वक्त, तो तभी मैंने वो ठान ली कि नहीं, इसकी इच्छा मैं पूरी करूँगी। और पता नहीं ये वो अचानक मौका ये भी आ गया, चीची गोविंदा जी हमारे घर पे आते थे, तो मैंने उनको कहा कि मुझे पिक्चर बनानी है ऐसे, तो वही नहीं बोलते हैं वो मुझे, तो कौन से टाइप के, मैंने नहीं कॉमेडी बनानी है, मीन्स मुझे लोगों को हंसाना है बस, मैं ऐसे लोग जाएंगे उधर तो हंस के आ जाएंगे। तो बात यही हो गई। फिर उस दौरान उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया मुझे, चलो करते हैं अच्छी। फिर डेविड को बोला उन्होंने, फिर डेविड के उसके बाद कोई कहानी भी नहीं थी, तो डेविड ने कहानी ढूंढना शुरू कर दिया ऐसे। उस दौरान वो फिर दो हीरो की पिक्चरें हो गई, तो कौन दूसरा हीरो, कौन जो चीची के सामने सही फिट बैठे, ये वो। उस वक्त संजू को ऑलरेडी जेल से बाहर आ चुका था, और फादर इन लॉ ने मेरे बहुत तो उनको हेल्प भी की थी, वो तभी फर्स्ट टाइम हमारे घर पर आ गया था। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसे संजू को लेके करना चाहिए। तो तभी संजू ने वैसे कोई कॉमेडी फिल्में इतनी करी नहीं थी, मीन्स वो उसके लिए एक्शन हीरो करके ही वो पहचाना जाता था। इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत बाकी लोगों को जब मैंने बात करी तो मैं ऐसे नहीं, आई वॉन्ट संजू ओनली, बिकॉज आई वॉज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। और संजू बोला, अरे भाभी क्या कर रहे हो, मैं बोली नहीं करोगे आप करोगे, मैं ऐसे मिस, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, एंड फॉर हिम इट वॉज़ अ लाइफ चेंजिंग, लाइक फॉर हसीना मान जाएगी उनके लिए। फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी कॉमेडी फिल्में करी संजू ने, और इनकी उनकी जोड़ी सब लोगों ने बहुत पसंद की। डेविड ने बहुत अच्छा डायरेक्शन भी दिया, और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हसीना मान जाएगी के मामले में। तो और मेरे लिए वो जर्नी बहुत बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि मैं फिर सेट पे जाती थी, मैं सब कुछ सीखती थी, वो कैसे क्या कैमरा कैसे लगा रहे हैं डेविड जी क्या, और डेविड जी का मिस काम करने का तरीका, मैं सेट पे ही हज़ारों चीज़ें चेंज हो जाती थी। तो ये एक जर्नी में बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो आई सेड आई एम नाउ नॉट लुकिंग बैक, सो आई एम गोइंग टू बी इन दिस फील्ड नो मैटर वॉट, इवन पैशन के तौर पर मैं बनाती जाऊँगी। और फिर मैंने टी वी में एंटर किया, और फिर टीवी में काफ़ी सारे मराठी, रीजनल, हिंदी हम करते गए, और टीवी में भी हमने बहुत सारी सीरीज़ बनाई। तो बस इसी में मेरा जो क्रिएटिव का वो था, वो सेटिस्फैक्शन मिलते गया। बड़ी अच्छे आपने हमें किस्से बताए, एंड लोगों को भी बड़े दिलचस्प लगे, मतलब उनको पता नहीं होंगी इतनी निटिग्रिटीज़। एंड मैंने ये भी सुना आपके एक इंटरव्यू में, आपने बोला था कि मुझे भी अभिनय का थोड़ा बहुत शौक रहा था बचपन में तो वो अगर आप सबको बताना चाहें। नहीं, बचपन में तो हम काफ़ी जो स्कूल्स के प्लेज होते थे, या इनफैक्ट मैं कॉलेज में थी तभी भी एक प्ले, इनफैक्ट मैं सेंटोर में थी तभी भी मैंने एक बहिणा भाई का रोल किया था, मैं शिवाजी महाराज के ऊपर एक प्ले था उसमें मैंने बहुत की रोल निभाया था उसमें। और मुझे हाँ शौक था, पर अभी शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, औरत का वो
समझा। मैंने सोचा चलो पर्दे के सामने नहीं तो पर्दे के पीछे तो हम अपना काम शुरू। बीच में कभी किसी ने बोला कि ये ट्राई करे, आप पे बड़ा सूट करेगा एक बार? एक्चुअली ऐसे बहुत बार बहुत लोगों ने बोला है, पर अभी तक तो मैंने किया नहीं है। अभी थोड़ा बहुत सोचते हैं कि कुछ विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट को लेके हम लोग कुछ करें जिसमें यू नेवर नो व्हाट क्लिक्स। अगेन, ऐसी क्या बात है आपके पास अगर कोई स्क्रिप्ट लेकर आता है, आप कौन सी स्क्रिप्ट पे मोहर लगाती हैं कि हाँ चलिए ठीक है ये मैं प्रोड्यूस कर लूँगी? क्या आपको लगता है कि मेरी एक ऑफ कोर्स एक पब्लिक इमेज है वो भी रहनी चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लुक अप टू यू, या फिर आपको लगता है नहीं कॉमेडी होनी चाहिए, लोगों को हंसाना है, सो कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है जिस पे आपकी हाँ आ सकती है? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो कॉमेडी रहती है और साइमल्टेनियसली वुमेन ओरिएंटेड, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और बायोपिक्स, बायोपिक्स में ज़्यादा मुझे दिलचस्पी होती है। बायोपिक पसंद है आपको? अभी गंगूबाई का डेफिनेटली, जो अगेन वुमेन ओरिएंटेड थी, और संजय लीला जी की, जिनकी मैं बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जिनकी मेकिंग की और जिसने किरदार निभाया वो भी मुझे बहुत पसंद है आलिया, तो ओवरऑल बहुत पसंद आई। और अगेन आजकल मैम OTT जो है उसका चलन बहुत ज़्यादा है देखें तो आपने सोचा है कि अब मुझे शायद OTT के लिए भी आई कैन मे बी पिक सम टॉपिक, क्या हम कुछ देख सकते हैं? आप कौन से माध्यम को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं? मेरे लिए माध्यम माध्यम है, वो भले OTT का हो, फिल्म हो, क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हैं, हम लोग उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं, और हमको पता है कि वो जो प्रोडक्ट बनने वाला है या बनने जा रहा है या बना रहे हैं उसके पीछे कितनी सारी मेहनत होती है, कितने सारे लोग होते हैं, कितने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो मेरे लिए वो हर प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो मेरे सारे सवालों के जवाब तो मुझे मिल गए और कई सारी बातें भी आज आपके बारे में पता चली, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एब्सोल्युटली कैंडिड एंड नो फिल्टर कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच मैम। यू वर वेरी स्वीट नेहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।